जी पढ़ाई इंस्टाग्राम पे पढ़ाई कर रहा बंदा। इसकी गर्लफ्रेंड थी और बोलता है कि क्या बोला? बोला बंदी ने छोड़ दिया। स्टीवन आपका स्वागत है। हेलो गाइस, जय शंकर महाराज। तुम सोचोगे कि इतने दिनों बाद में जंगल से कैसे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा एग्ज़ाम है, पहला पेपर सेकंड ईयर का, और सुबह के 6 बजे कोई यहाँ पे है नहीं, और मैं कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि मेरा रूम कॉलेज से बहुत दूर है। ठीक है, धूप नहीं लगी है ना लगेगी। स्ट्रगल देखो तुम मेरा, यहाँ से ऊपर रास्ता, आइए चलते हैं ऊपर। देखो गाइस, काफ़ी मेहनत की मैंने नीचे से, मैं ये लिंक रोड है वैसे, और ये मेन रोड, यहाँ से हो सकता है मेरे को बस मिले या टैक्सी मिले, कोशिश करूँगा मैं। आइए देखते हैं क्या बनता है फिलहाल। ये तो गाइस, जो यहाँ रहता है ना उसके, उसको पता रहेगा कि ये कुफ्ताधार का बस स्टॉप है। ठीक है, तो शायद यहाँ बस चलती हो, शायद ये शॉप्स। तो गाइस देखो, गाइस मैं आ चुका हूँ इस बस से। बस मैं तुम्हारे लिए क्लिप ना नहीं बना पाया, रीज़न ये होता है कि ब्रो कई बार लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि तुमने वीडियो क्यों बनाया। ठीक है, तो उस चीज़ को ऑफेंड ना हो, सुबह सुबह केस ना हो, जो मेरे पे होते रहते हैं, इस बार केस नहीं होगा। ठीक है, तो केस को बचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये कुफ्ताधार से मैं यहाँ आया, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, बाकी तुम्हारे को दिखाते आगे। चलो चलो, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मेरे को लगता है कम से कम 2 दिन लगेंगे मुझे कॉलेज तक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले सबसे आगे होंगी हिंदुस्तानी, मैं भी पहुँच चुका हूँ कॉलेज में। तो तुम्हारे को पता है जैसे कि एग्ज़ाम है, और सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं पहुँचा। जो पहुँचे हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, ये साफ साबित होता है। पढ़ना होता तो तुम लाइब्रेरी में पढ़ते। तो गाइस, ये कोटशेरा के होनहार स्टूडेंट हमारे डी के भाई, देखो ये जी पढ़ाई इंस्टाग्राम पे पढ़ाई कर रहा बंदा, कोई बात नहीं होती है। गाइस ये देखो मेरा भाई, यो दूसरा, यो क्या हाल है तुम्हारे। ये बंदा भी है मोटा ही रैपर, वैसे कुल्लू से है लेकिन शिमला में काफ़ी रैपिंग कर रहा है। मेरे को इस बंदे का एक चीज़ पसंद है, पता क्या, हिप हॉप सब कर रहे हैं। ठीक है, हिप हॉप का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि तुम राइम करो, हिप हॉप का मतलब होता है राइम के बाद तुम एक लॉजिक बनाओ, एक फीलिंग लोगों को बताओ। और ये बंदे का जो वो है ना, मतलब जो स्वैग है, जो मतलब क्रेजीनेस वाला अलग है। तुम लोग क्रेजी देखते हो ना इसको, क्रेजी है, बट जो इसका तुम रियल लिखाई देखोगे ना, वो बंदे की मैं श्योर है, ये लिखता बहुत अलग है। थैंक यू भाई, जल्दी भाई। और ये बीट बॉक्सिंग करते हुए हिप हॉप का सीन बहुत ज़्यादा हो गया है, और अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए। बट ऐसा है ना, थोड़ा मैच्योर बनो, जो भी लोग देखते हैं ना हिप हॉप, मतलब लोगों को लगता जो है वो होता नहीं है, मतलब थोड़ा मेहनत है। भाई फुल सपोर्ट है अपनी, फुल सपोर्ट भाई अपनी तरफ से। ठीक है, गाइस जो लड़कियां से परे गई ना, ये श्रेया और ये लक्ष्मी हमारी बहन, इनका पेपर है दोनों का, मेरा नहीं है। और सारे मुर्दे पानी पी रहे थे। गाइस पानी मिलता है सस्ते में कोटशेरा में, फ्री में पानी है। और या ब्रो, गाइस फिजिकल एजुकेशन दो, एक दिन किसको बोलते हैं मारी जाना, मारी जाती है ऐसे, ये है कोटशेरा। अच्छा HPU से हुई है, ये तो डराने आया है, ये तो डराने, ये पेपर देने डराने आया है एग्जामिनर को। गाइस अभी एग्जाम का 1 घंटा और बचा है, और मैं शौक हूँ कि मेरा पेपर जल्दी कैसे हुआ।
खुशी नहीं है मेरे को, खुशी होती तो मैं मतलब समझ नहीं आ रहा, जो पेपर कभी पूरा ही नहीं होता था, एक घंटे पहले कैसे हो गया और बंदे अंदर कर रहे हैं क्या? या तो मैंने लिखा तो मैंने ब्रो बहुत था, पर मैं कैसे आ गया, नींद में ही हो गया पेपर। और ब्रो क्या हाल है आपके, एग्जाम था? तो गाइस हमारे साथ है आकृति, आकृति आकृति कैसा रहा आज का एग्जाम? बहुत अच्छा। पक्का? बहुत। और हमारे साथ अंजू, ए कैसा था पेपर? मेरे कोई दोस्त नहीं आए अभी तक। गाइस ये हमारे साथ हुआ, कोई भी हमारे दोस्त अंदर है लेकिन हम बाहर आ गए। गाइस दिस वन फ्रॉम कोचीरा एंड होता हुआ एंड होगा ही, पेपर हो गया खत्म। गाइस आज हमारे पेपर खत्म, मतलब खत्म। दोस्तों पेपर मोटा ही खेड़ी रहा, इन्होंने भरी 32, इन्होंने 34 और मैं 40 सीटें भर के आ चुका हूँ। और फिलहाल अभी ये देखिए कोटशेरा विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज, जितना बड़ा मेरा दिल उतना बड़ा कॉलेज। जी जी जी। और इसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करो। पीछे देखो जी फॉर्चुनर चल रही है, दिखेगी नहीं? चल दिया फॉर्चुनर वाले भाई, खतरनाक फॉर्चुनर आती हुई। सॉरी गाइस, थोड़ा स्कूटी थी, हमें लगा फॉर्चुनर थी। 32 कैसा लगता है आपको जब इतनी सीटें भरते आप? अच्छा लगता है। आप इतना पढ़ते हैं कि आपने तुक्का मारा है? देखो कान दिखाओ, खेल है, पढ़ता भी हो तुक्का मारता दोनों। देखिए जी दिमाग का खेल है, हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए हम 20 से ज्यादा सीटें नहीं भरवाते। जब आप इतने इंटेलिजेंट है, आपकी कितनी बंदियां हैं? जीरो। जीरो क्यों? जो एक थी उसके साथ ब्रेकअप कैसे हुआ, ब्रेकअप की स्टोरी बताए। ऐसा हुआ नहीं तू। गाइस इसकी गर्लफ्रेंड थी और बोलता है कि क्या बोला बंदी ने छोड़ दिया। हाँ और क्या क्या बोल रहा था ये? उसकी मम्मी ने बोला फोन मत करना। फिर इसने बोला ठीक है मैं नहीं करता हूँ फोन। कहाँ की थी लड़की? किन्नौर वालों। और गाइस तुम मेरे पीछे शिमला तो देख ही रहे हो, लेकिन जब मैं सुबह आया तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुबह आया था, ठीक है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ब्रो सांसें फूल गई तुम्हारी भाई की, मज़ा आ रहा है। देखिए बात करते हैं ना लोग कि प्रैंक इज़ टेम्परेरी, वीडियोस इज़ टेम्परेरी, स्टीवन इज़ ऑलवेज परमानेंट, ठीक है। तो बंदे जो भी छपरीगिरी करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, ठीक है, वो उनका कंटेंट है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा कंटेंट है, और हमारा कंटेंट हमेशा से अलग है। और इतना ज़्यादा गर्मी, वाह, थोड़ा मेरे लिए ये ऐसा है जैसे कि चंडीगढ़। और ये सब मिलती है तुम्हारे को अंग्रेज साले चोर, ठीक है। तो अब इनके साथ एक इंडियन है इसलिए मैं इनके रग नहीं मारूंगा, बाकी तुम्हारे को पता है मेरे बारे में। गाइस आफ्टर ग्रेट मैराथन सुबह मैं यहाँ से ऊपर आया था, अभी मैं यहाँ से नीचे। ये देखो गाइस इस तरह की पाइपलाइन लगी है, ठीक है, और यहाँ से नीचे इतना पानी वेस्ट हो चुका है, पता नहीं कब का है, और कोई जोड़ता नहीं है। ये को फैला रहे हैं। ये देखो गाइस जोड़ दी मैंने, ठीक है, जोड़ दी ऐसे नीचे, देखो कितना पानी वेस्ट हो रहा है, मतलब पानी पानी आ रहा है। आई थिंक ये बंदरों ने तोड़ा है, ठीक है, मतलब खोला होगा बंदरों ने, परंतु इतने लोग जाते हैं ना इस रास्ते से, थोड़ा होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ब्रो तुम लोग सिर्फ सेव वाटर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में करते हैं, यहाँ भी करो, सीखो कुछ। तो सुंडू बाबा की किताब से एक कहानी और आपके लिए। सुंडू बाबा कहते हैं कि लाइफ में ना कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करो, बिलीव ट्रस्ट जो ये वाला इमोशन है ना ये मत रखो, क्योंकि वो तुम्हारा टूट जाएगा, तुम टूट जाओगे, ठीक है। बिलीव मत करो, जो है उसको वैसे ही रहने दो, ज़्यादा मत सोचो, बिलीव मत करो, ऐसा सुंडू बाबा कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा,
सुंडू बाबा कहते हैं ऐसा। बाकी मैं थक गया बहुत ज़्यादा। बाय बाय, हैव ए वंडरफुल डे, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो या ना पढ़ो पास हो जाएंगे। बाय बाय।